हेलो एंड नमस्कार गाइस, वेलकम वेलकम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस कोर्स टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल्स की मदद से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। गाइस, मैं बात करने जा रहा हूँ कल के दिन। गाइस, सबसे पहली बात बता देता हूँ, देखो कल के दिन 17 अप्रैल के दिन छुट्टी है हमारी, रामनवमी की छुट्टी है और मार्केट बंद रहेगा। और मैं आप लोगों के लिए जैकपॉट न्यूज लेकर आया हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूँ। थर्सडे के दिन निफ्टी एक्सपायरी डे होगा और 18 तारीख 19 तारीख से हमारे फिर मतलब हमारे रिजल्ट सेशंस एंड क्वार्टरली रिजल्ट सेशन प्लस हमारा चुनाव शुरू हो जाएगा, राइट है। तो गाइज, मुझे लग रहा है मार्केट हो गया ओवर, मार्केट में हो चुका है करेक्शन, इट्स ओवर। तकरीबन 700 पॉइंट का करेक्शन देखने के बाद मार्केट में मुझे लगता है कि यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना क्यों बोल रहा हूँ। देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैंने मार्केट को चैनलाइज किया है, ध्यान से देखो, 1 आवर 1 डे के टाइम फ्रेम पर चैनलाइज कर दिया और चैनल के अंदर ही चल रहा है मार्केट अभी भी, और मार्केट अपने चैनल के लोअर लेवल पे खड़ा है। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा मार्केट में एंट्री लेने का, मुझे लगता है परफेक्टली एंट्री लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आज की तारीख जो 16 तारीख है, ये वीडियो आपको मार्केट बंद हो जाने से पहले मैं दे देना चाहता हूँ। इसके लिए 2:13 पर शूट कर रहा हूँ और मैं आप लोगों के लिए जैकपॉट लेकर आया हूँ। ध्यान से देखिए गाइस, 25 अप्रैल का 22,400 के कॉल ऑप्शन रिकमेंडेशन करिए मैंने मेरे व्हाट्सएप के वीआईपी ग्रुप में, जो कि 80 रुपए के भाव पर अभी भी लाइव चल रहा है, और ये मैं डाल चुका हूँ व्हाट्सएप के वीआईपी ग्रुप में। मार्केट यू टर्न, मार्केट यू टर्न, मार्केट यू टर्न, मार्केट यू टर्न, मार्केट यू टर्न। आप लोगों को क्या लगता है, यू टर्न हुआ या नहीं हुआ, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करना है गाइस। और आपने कॉल लिया है, पुट लिया है, बीटीएसटी में क्या लिया है। देखो मैं मंथली वाला क्यों ले रहा हूँ, सबसे पहली चीज है कि नहीं, ये इजराइल और ये जो युद्ध हुआ है, इसके बीच में ना मार्केट में थोड़ा सा गैपिंग बहुत बड़ी बड़ी क्रिएट हो गई है और मार्केट ना कहीं बहुत ज्यादा गिर चुका है। मगर इस दौरान आपको आज के दिन देखने को मिल रहा है कि मार्केट में कहीं पर भी एक बड़ी सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है और एक्सपायरी जैसी कोई चीजें देखने को नहीं मिल रही है। तो हो सकता है मार्केट अब यहाँ से नीचे की जगह ऊपर जाने की कोशिश करे, तो यहाँ पर सबसे परफेक्ट टाइमिंग है मतलब 22,400 का जो गैपिंग है, मतलब ये जो मार्केट की जो गैपिंग 22,500, 22,400 और फिर 22,270 की जो गैपिंग है, सीधा मार्केट आपको तकरीबन अगले दिन 18 तारीख को मार्केट सीधा गैप अप खुलता हुआ दिखाई दे सकता है, सीधा इस रेंज के लिए मतलब 22,400 के लिए और तकरीबन 500 के लिए, इस रेंज के लिए गैप अप खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी 150 से 200 अंक गैप अप खुल सकता है। यदि गैप अप खुलता है तो ये हमारा जो प्रीमियम है वो इन द मनी हो जाएगा और जैकपॉट लग जाएगा यहाँ पर, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट थोड़ा सा भी सस्टेन करता हो, कोई भी बुरी खबर नहीं आई, तो अमेरिका का मार्केट डाउ जोन्स से निचले स्तरों से रिकवरी दे जाएगा। और देखो निचले स्तरों से सपोर्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार है डाउ इंडियन मार्केट, और इंडियन मार्केट तो बोल रहे हैं कि नीचे से रिकवरी हो रही, तो आप लोगों ने कॉल खरीदा है क्या। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पर टारगेट नंबर 1 होगा तकरीबन जो गैपिंग का होगा 22,200 का लेवल होगा। 22,200 के ऊपर यदि सस्टेन करने में कामयाबी मिली मार्केट को, तो इससे लंबी दूरी में सीधी सी बात है 22,260 और गैपिंग को फिलिंग करते हुए सीधा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा मार्केट, मतलब यहीं पर ही सब कुछ ओवर करके मार्केट अब ऊपर चले जाएगा। मगर देखो, इजराइल और ईरान का युद्ध में नया मोड़ कब आएगा ये बात तो कोई नहीं जानता है, मगर एक चीज हम जरूर जानते हैं कि हम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पे, तो यहां पर यदि खरीदारी नहीं करी तो भी क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर खरीदारी नहीं करी तो भी फंसेंगे। और यदि यहाँ पर सबसे पहली चीज है ना, आपको ध्यान रखना है कि क्वांटिटी सोच समझ के खरीदारी करनी है, कि यदि मैं क्वांटिटी पर थोड़ा नुकसान हुआ तो मैं झेल पाऊंगा कि नहीं झेल पाऊंगा, ये वाली बात है। पहले सोच समझ लेना कि मेरे को ये वाला ट्रेड लेना है और मंथली सीरीज का, क्योंकि यदि आपको ये ट्रेड मिल गया ना गाइस, तो सच बोल रहा हूँ कि आपको मंथली सीरीज का ट्रेड मिलेगा और मंथली सीरीज में आपको ये वाला गेन मिल सकता है, मतलब मार्केट इस मंथली एक्सपायरी पर या तो मार्केट यहां से पूरा यू टर्न 22,500 और 22,800 के लिए यू टर्न कर जाएगा यहां पर, आपको इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा यू टर्न खरीद पे माल लेने का, मतलब आपको परचेस करने का। ओके, बैंक निफ्टी क्या लगता है, तो बैंक निफ्टी में बता रहे, तो बैंक निफ्टी भी देखो निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई देती है। 1 डे चार्ट क्या बोलता है, चैनल लाइजिंग मार्केट चलता है। बैंक निफ्टी भी ने आज एक्सपायरी में कुछ प्ले नहीं करा है, इसका मतलब यह है कि वो पूरा मोमेंटम, देखो मेरा प्रीमियम अभी 77 चल रहा है, आप लोगों को क्या लगता है ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, मार्केट में गैप अप कल आएगा या नहीं आएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना गाइस। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, बैंक निफ्टी का सेटअप भी मुझे यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को भी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से हल्की हल्की रिकवरी दिखाई दी है, बट डोजी कैंडल जैसा कुछ दिखाई देता है और
चैनल का सिमेट्रिकल चैनल पैटर्न के अंदर ही दिखाई देता है, तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा कि निचले स्तरों से खरीदारी करने का मौका, और जो बैंक निफ्टी सीधा आपको लोअर लेवल पे मिल रही है। तो बैंक निफ्टी का जो ब्रेकआउट लेवल है तकरीबन देखो इस तरीके का एक लेवल तकरीबन दिखाई देगा आपको, ये वाला लेवल दिखाई देगा। तो तकरीबन ये लेवल 47,600 का लेवल, यहाँ पर आप यदि दो मंथली सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट खरीदारी करते हैं 47,000, 48,400 के, 48,000 के या 47,800 के, इस लेवल के आपके कॉन्ट्रैक्ट खरीदारी करते हैं वो भी मंथली सीरीज वाले, तो उसमें आपका अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। BTST जिस तरीके से मार्केट गैप डाउन में गया ना, उसी तरीके से मार्केट गैप अप में चले जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है जाएगा कितना? चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना। ओके।